एमबीबीएस की या मेडिकल स्टडीज की बात करें तो हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और यहाँ भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है। अगर मैं एम्स की बात करूँ तो हमारे पूरे इंडिया का नंबर वन मेडिकल कॉलेज है, बट फिर भी क्यों इंडियन स्टूडेंट्स हर साल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या रशिया में मेडिकल स्टडीज या एमबीबीएस करने जाते हैं? क्यों? क्योंकि इंडिया में होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, सीट्स लिमिटेड हैं और जो मेडिकल स्टडीज़ की जो कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली काफ़ी हाई होती है अगर आपको एम्स या फिर किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिलता है तो जो उसकी कॉस्ट है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ या रशिया से कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हर साल इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल स्टडीज़ के लिए इन कंट्रीज़ में जाते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि इन कंट्रीज़ के कॉलेजेस में एडमिशन इजीली हो जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिशांत गुप्ता एंड यू कैन आल्सो कॉल मी इंस्पायर्ड दिशांत। आजकल एक और कंट्री हायर एजुकेशन की रेस में उतर चुकी है जिसका नाम है जर्मनी। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि जर्मनी में हायर एजुकेशन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, एमबीबीएस से रिलेटेड क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चांसेज हैं और कितना हार्ड है प्रोसेस, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज इस वीडियो में इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। शुरू से एंड तक बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। देखो, पिछले कुछ सालों में जर्मनी एक काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस या तो बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। ऊपर से एजुकेशन की क्वालिटी टॉप नॉच होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम शानदार है। लेकिन अगर हम मेडिकल स्टडीज एमबीबीएस की बात करें तो जर्मनी में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। जर्मनी में मेडिकल स्टडीज कर पाना या फिर मेडिकल स्टडीज के लिए एडमिशन ले पाना ही इतना ज्यादा टफ, इतना ज्यादा हार्ड होता है ना, या फिर मैं कहूँ बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। जितनी मेहनत हमारे इंडिया में एक स्टूडेंट आईएएस के लिए करता है, लगभग उतनी ही मेहनत आपको यहाँ पे एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेने के लिए करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद भी जो आपकी लाइफ है वो इजी नहीं है, उसको कंप्लीट करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। देखो, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है आप लोगों को रियलिटी बताना। इसीलिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इंडिया से आए थे, पाकिस्तान से आए थे और जो यहाँ पे मेडिकल स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो डॉक्टर बन चुके हैं, उन लोगों से बात करी और पता चला कि यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मतलब प्रोसेस इतना इजी नहीं है जितना लगता है, पर फिर भी लोग जर्मनी में मेडिकल स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं जबकि उनके पास इजियर ऑप्शंस हैं, इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं और अगर इंडिया में एडमिशन नहीं हो पा रहा तो यूक्रेन, रशिया या फिर अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में इजीली एडमिशन मिल जाता है। लेकिन फिर भी लोग जर्मनी को ही कंसिडर कर रहे हैं इतनी सारी डिफिकल्टीज़ के बाद भी। इसका रीज़न सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे फीस लगभग फ्री है या फिर बहुत कम है, इसका एक और रीज़न ये भी है कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम और फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास हैं, जो एक डॉक्टर के लिए आइडियल सेटअप होता है। दूसरा, डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है तो बाद में जर्मनी या किसी और डेवलप्ड कंट्री में प्रैक्टिस करना आसान होता है। प्लस जर्मनी का लाइफस्टाइल, एक्सपोजर और जॉब सिक्योरिटी भी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी बातें एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों इंडियन स्टूडेंट्स आजकल कंसिडर कर रहे हैं जर्मनी में मेडिकल स्टडीज पढ़ने के लिए, डिस्पाइट हैविंग टू मच कॉम्पिटिशन, जर्मन लैंग्वेज सीखना और एडमिशन का लॉन्ग प्रोसेस। फिर भी लोग चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, इतना सब होने के बाद भी हम जर्मनी आ सकते हैं। देखो, अगर डिटर्मिनेशन है ना, अगर आपका माइंडसेट है, अगर आप स्टूडियस हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो करियर है, आपकी जो लाइफ है, वो इन सब के बाद, यहाँ इतनी मेहनत के बाद एक फ्रूटफुल हो, तो जर्मनी से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई बेटर ऑप्शन है आपके पास मेडिकल स्टडीज़ के लिए। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये सब बातें मैंने पता करी थी जो ऑलरेडी यहाँ पे मेडिकल स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं और प्रैक्टिस चालू है जिन लोगों की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऐसा आपको करना है कि आपका मेडिकल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे एडमिशन हो पाए। सबसे पहली बात तो आपको जर्मन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी प्रोग्राम्स में आपका काम चल सकता है, लाइक इंजीनियरिंग या फिर जो मैंने किया था, मैंने एमबीए किया था, बिजनेस की डिग्री या फिर कुछ भी और आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अगर मेडिकल स्टडीज़ की बात करें तो जर्मन ही है, ऑलमोस्ट जर्मन टॉट प्रोग्राम्स ही हैं सारे कॉलेजेस में। मेरी नॉलेज में तो नहीं है, कि हो सकता है कि कुछ कॉलेज हो जहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, बट मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है। सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ जर्मन टॉट प्रोग्राम्स में मेडिकल स्टडीज़ दी जाती है। और अगर आपको मान लो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन मिल भी जाता है तो भी आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी की कंसल्टेंसीज़ ये सब बोलते हैं कि नहीं, B1 काफ़ी है या A2 काफ़ी है, मैं बोलूँगा ना B1 काफ़ी है ना B2 काफ़ी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट C1 तक तो आपका लेवल होना चाहिए। B2 तक भी अगर आपका है ना तो वेल एंड गुड है, C1 तो परफेक्ट है। देखो, जर्मनी का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 10-12 साल में जर्मनी भी कैनेडा की तरह हो जाएगा। बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे हर साल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आना बिना प्रिपरेशन के एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो अगर आप आ रहे हैं तो जर्मन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना मत आओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कंसल्टेंट की बातों में मत आओ, कंसल्टेंट बोलता है कि नहीं जी, हो जाएगा, A1 A2 काफ़ी है, वहाँ पे जाके कर लोगे। अरे हलवा है क्या जो ऐसे किया और जर्मन लैंग्वेज हो गई? ऐसा नहीं होता। देखो,
आपको मैं एक बेसिक सी बात बताता हूँ, हम लोग बचपन से हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिर भी कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे जो इंग्लिश में भी स्ट्रगल करते हैं। तो जर्मन तो अभी एक दो साल से आपने पढ़ना शुरू किया, या फिर अगर आप एक दो महीने से पढ़ रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही आपने छू ही नहीं है, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि 6-7 महीने में या 8 महीने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे या फ्लुएंट हो जाएंगे जर्मन में? नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं, आपको यहाँ का लैंग्वेज बैरियर और यहाँ का जो डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में पता होना चाहिए, वरना आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात करता हूँ चैलेंजेस की, या फिर कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर आप क्लास 10th या 11th में हैं और आपको जर्मन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको नंबर वन एडवाइस यही दूंगा कि अभी से जर्मन की क्लासेस लेना शुरू कर दो, जर्मन सीखना शुरू कर दो। 12th अगर आपने क्लियर कर लिया है और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जर्मनी आना है मेडिकल स्टडीज के लिए, तो आई एम सॉरी टू से आपको 1 या 2 साल तो डेडिकेट करना पड़ेगा अपनी जर्मन लैंग्वेज के लिए, उसके बाद आप सोच सकते हैं बैचलर्स करने के लिए यहाँ पे मेडिकल में। मार्क्स की बात करूँ, आपके 12th की परसेंटेज की बात करूँ, तो आपको एटलीस्ट 85% मार्क्स तो चाहिए ही होंगे, एंड आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होने चाहिए, विच इज ऑब्वियस। मैं तो सजेस्ट करूंगा 85% भी नहीं, एम फॉर एटलीस्ट 90% मार्क्स। अब यूनिवर्सिटीज में अगर एजुकेशन फ्री दे रहे हैं और कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो वो यूनिवर्सिटी वाले पागल तो है नहीं ना कि आपको 85% से स्टार्ट करेंगे, वो तो यही उठाएंगे कि जिसके ज्यादा मार्क्स उतने ही ज्यादा आपके चांसेस हैं एडमिशन के लिए यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि एम फॉर एटलीस्ट 90% एंड अबव, इससे ज्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे एडमिशन के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे ना क्राइटेरिया इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि जो नॉन ईयू सिटीजन है ना, उनका मेडिकल फील्ड में एडमिशन हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके अच्छे मार्क्स पे और आपकी जर्मन प्रोफिशिएंसी पे। और यही नहीं, इंडिया में हम 10+2 पढ़ते हैं, बट यहाँ पे 10+2 को कंसिडर नहीं किया जाता, यहाँ पे कंसिडर किया जाता है 10+3 को, यानी कि एक साल का गैप होता है जो आपको वहां पे जाके फुलफिल करना होता है स्टूडेंटकोलीग में। अब स्टूडेंटकोलीग होता है, इसके बारे में किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो YouTube पे आप सर्च करना स्टूडेंटकोलीग, काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि आपको स्टूडेंटकोलीग करना पड़ेगा यहाँ पे फिट होने के लिए। स्टूडेंटकोलीग में आई थिंक 5 टाइप के कोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा एम कोर्स। अब स्टूडेंटकोलीग में भी आपको एडमिशन डायरेक्टली नहीं मिलता, स्टूडेंटकोलीग में एंट्री के लिए भी आपको एक एडमिशन टेस्ट देना होता है जिसको कहते हैं Aufnahmeprüfung। ये बेसिकली एक टेस्ट होता है जो आपको स्टूडेंटकोलीग में एंट्री के लिए देना पड़ता है। तो स्टूडेंटकोलीग के जब आपके एम कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, जो मेडिकल फील्ड के लिए होता है कोर्स, इसमें आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे वो पढ़ाए जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये सब आपको पढ़ाया जाएगा जर्मन लैंग्वेज में। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जर्मन लैंग्वेज की लर्निंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंटकोलीग के एंड में आपको एक एग्जाम देना होता है जिसको कहते हैं Festellungsprüfung। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका 12th का GPA और आपका इस टेस्ट का GPA, इन दोनों के GPA को मिला के जो आपका एग्रीगेट बनेगा वही आपको दिलाएगा यहाँ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। तो इन दोनों टेस्ट में अगर आपका एग्रीगेट दूसरों से कम है, तो आई एम सॉरी टू से इट्स अ हार्श रियलिटी, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जर्मनी में मेडिकल स्टडीज के लिए आपके 12th के एग्जाम्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आई नो इट्स रियली हार्ड, मेरे लिए तो हार्ड है, लेकिन हर किसी का अपना अपना लेवल होता है। हो सकता है कि आपके लिए बहुत ईजी हो अबव 90% स्कोर करना। मेरे मार्क्स कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत कम भी नहीं थे, आई वॉज समवेयर इन द मिडल। तो मेरी बात तो मैं बाद में करूंगा कि क्या स्टोरी थी, इसलिए मैंने मेडिकल स्टडीज चूज नहीं करी। तो मुझे तो ये अभी से ही, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत बड़ा हुआ लग रहा है ये। जर्मनी में सिर्फ 5% सीट्स नॉन EU सिटीजन्स के लिए होती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो हो सकता है कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन में ये सब पढ़ाया जाएगा, बट ये डिपेंड करता है आपके कॉम्पिटेंस पे और आपकी मेहनत पे। लेकिन अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी ऑप्शन है। और अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात करूं, तो ये स्टार्ट होती है लगभग 7000 यूरोस पर सेमेस्टर। तो जर्मनी में MBBS करने का पूरा प्रोसेस लगभग 6-7 साल का है। आई नो कि ये इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट फिर रिजल्ट भी इतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहला होता है प्री क्लिनिकल फेज, जो कि first 2 years में आपको सिखाया जाता है। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाते हैं और ज्यादातर पढ़ाई थियोरिटिकल होती है, रिसर्च बेस्ड होती है, प्रैक्टिकल कम होता है। देन आता है क्लिनिकल फेज अगले 3 साल, यहाँ आता है असली मजा, क्योंकि यहाँ पे दी जाती है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आपको हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी और आप यहाँ पे रियल लाइफ पेशेंट्स के साथ काम करोगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके डॉक्टर वाला फील आएगा। देन इसके बाद होता है 1 साल का प्रैक्टिकल ईयर, इसको इंटर्नशिप टाइप समझ लो आप। ये 1 साल आपका फुल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस का टाइम होगा, आपको असली पेशेंट्स के साथ काम करना होगा और आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को पॉलिश किया जाएगा। देन इन सब चीजों को खत्म करने के बाद जो आपका 4th एंड जो फाइनल स्टेज होती है वो होता है स्टेट एग्जाम। MBBS खत्म करने के बाद ये स्टेट एग्जाम आपको देना बहुत जरूरी है। ये स्टेट एग्जाम देने के बाद ही आपको यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, ताकि आप यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस कर पाए। ये लाइसेंस आपको जब मिल जाए, जब आपकी MBBS कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप MD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी और स्पेशलाइजेशन के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये प्रोसेस भी 5-6 साल का होता है। MBBS जो यहाँ पे मेडिसिन इशे आउस बिल्डिंग, या फिर मेडिसिन इशे स्टूडियम के नाम से जाना जाता है, इसको खत्म करने के बाद
जो आगे के स्टेजेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेज आती है अप्रोबेशन की, जिसको लाइसेंसिंग कहते हैं। अप्रोबेशन नाम का एक लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। इसके बिना अगर ये लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप लीगल वे में एज अ डॉक्टर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देन आती है अगली स्टेज स्पेशलाइजेशन की, जिसको कहते हैं फाक आस्ट हाउस बिल्डिंग। अब लाइसेंस मिलने के बाद आप अपनी मर्जी की फील्ड में, अपने इंटरेस्ट की फील्ड में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लाइक कार्डियोलॉजी, सर्जरी या न्यूरोलॉजी एक्सेट्रा। तो इन सब के प्रोसेस में भी 5 से 6 साल लग सकते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड को अपने हिसाब से चूज करें। अब आती है प्रैक्टिस या जॉब। देखो स्पेशलाइजेशन के दौरान, स्पेशलाइजेशन के टाइम पे ही ना आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जर्मनी में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, और इसीलिए यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको सफ़र करना पड़ता है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती हैं। तो एक बार अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास अर्निंग का कितना अच्छा स्कोप है। तो आपके पास ऑप्शन होता है जॉब करने का प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और दोनों ही केस में आपको सैलरी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, और अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं साथ में तो वेल एंड गुड। इससे भी आगे की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपके पास हमेशा से यहाँ पे ऑप्शन है PhD का, और जर्मन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है रिसर्च को। तो अगर मेडिकल साइंस में अगर आप PhD करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन अगर बात करूँ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये बात सच है कि जर्मनी से अगर आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ये प्रैक्टिस वगैरह सारे काम कंप्लीट करते हैं, तो आप यूरोप की किसी भी कंट्री में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो MBBS करने के बाद आपके पास आगे के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, रिसर्च भी हो सकती है या फिर जॉब करनी है या फिर कुछ भी आपको अपना क्लिनिक खोलना है, तो और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। लास्ट में जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो प्राइसलेस होगा, वो एक्सपीरियंस। इसमें कोई शक नहीं कि जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, वहाँ के हॉस्पिटल्स टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के साथ एक एसोसिएट हॉस्पिटल होता है जहां तुम अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। आई नो एडमिशन बहुत टफ है, लेकिन अगर सब कुछ सही हो जाए तो आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पे। और ये बात सबको पता है कि जर्मनी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कितना ज़्यादा हाई है, तो वो इस सारे प्रोसेस को, इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को और भी ज़्यादा इंकरेजिंग बना देता है। आई नो नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग हैं इंडिया में, क्या हर जगह ही आपको मिलेंगे कि भाई जर्मनी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा। ये सारी बातें ना वही लोग करते हैं जो कुछ नहीं कर पाए। आई नो मैं ये बहुत गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद ही यहाँ पे आके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने शुरू में मेहनत करी है ना, उसके बाद जो उनकी आज लाइफ है वो माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पे एडमिशन लेना जितना ज़्यादा टफ है ना, बाद में आपके एजुकेशन खत्म होने के बाद यही चीज़ इतनी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की आपको मिलेगी ना, और रिस्पेक्ट तो नो डाउट बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। डॉक्टर्स की जो यहाँ पे लाइफ है ना, जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी और कुछ इस वीडियो में ज़्यादा है नहीं बात करने के लिए। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है या आपके कोई क्वेश्चन या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस टाइप की और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।